दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकोन। आईपीएल मैच में अश्विन और इयान मॉर्गन की लड़ाई के बीच ही अब अश्विन और विराट कोहली के दरमियान विवाद की खबरें सामने आई हैं, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विराट कोहली और अश्विन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या यही वजह थी कि हाल ही में इंग्लैंड के साथ हुई टेस्ट सीरीज में अश्विन को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। क्या है ये पूरा विवाद और कैसे अश्विन का नाम विराट कोहली के साथ अनबन को लेकर सामने आया है। हालांकि आर अश्विन ने विराट कोहली और अपने इस विवाद को लेकर, इन खबरों को लेकर क्या कहा है, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दरअसल मामला यहां से शुरू होता है जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि टीम के खिलाड़ियों ने जीत का जज्बा नहीं दिखाया, जिसके बाद विराट कोहली के इस बात से नाखुश होकर टीम के एक सीनियर खिलाड़ी ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से विराट कोहली की शिकायत की थी। और अब मीडिया में आई ताजा रिपोर्ट में शिकायत करने वाले उस सीनियर खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है। आईएएनएस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रविचंद्रन अश्विन वो सीनियर खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय कप्तान की बोर्ड सचिव से शिकायत की थी। न्यूज एजेंसी ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रविचंद्रन अश्विन ही वो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीसीसीआई सचिव से विराट कोहली को लेकर शिकायती लेटर लिखा था। इस रिपोर्ट के बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं और चर्चा होना शुरू हो गई है कि यही वजह थी कि जब हर तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अश्विन को खिलाए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैच में उन्हें बाहर रखा और उनकी जगह रविंद्र जडेजा को मौका दिया। हालांकि अश्विन ने इस खबर को आईएएनएस की रिपोर्ट को पूरी तरीके से फर्जी बताया है और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि मैं उस फेक न्यूज चलाने वाले हैंडल की तलाश कर रहा हूं जिसने यह खबर चलाई और यह दावा किया। अश्विन ने कहा कि ये हंसी मजाक गॉसिप करने के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यह खबर पूरी तरीके से फेक न्यूज है। अश्विन ने यह भी कहा कि पहले झूठी खबरें फैलाने वाले का नाम कुछ और हुआ करता था और अब उसने नाम बदलकर आईएएनएस कर लिया है। यानी साफ तौर पर अश्विन ने इस खबर से साफ इनकार किया है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह गॉसिप करने के लिए खबर अच्छी है, लेकिन यह खबर पूरी तरीके से फेक है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं, यार अश्विन ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन आईएएनएस की इस रिपोर्ट के बाद कई लोग कयास लगाने लग गए हैं कि विराट कोहली ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले के बाद उनकी वनडे कप्तानी छिन्ने और टीम के अंदर मनमुटाव की कई खबरें भी सामने आई। अश्विन और विराट कोहली के इस विवाद में ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप टीम में कप्तान विराट कोहली युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर्स के आगे उनकी नहीं चली और आखिर में अश्विन को भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए जगह दी गई। बता दें कि अश्विन की T20 टीम में 4 साल बाद वापसी हुई है। तो दोस्तों आईएएनएस की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसको अश्विन ने साफ तौर पर नकार दिया और इसको फेक न्यूज बताया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।